हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। वन, भुवनेश्वर में स्थित खाखरा देउल है बेताल देउल मंदिर। नेक्स्ट, इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुम्बद हैं हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा प्रदर्शित करती है अभय मुद्रा को ये प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर स्थित है भीतरगांव कानपुर में जो ईंटों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मन को भारतीय चित्रकला से संबंधित है कांगड़ा शैली से। कांगड़ा हमारी पहाड़ी शैली की उपशैली है। नेक्स्ट, ब्लू सर्कस वर्ष 1950 में चित्रित की है मार्क शागाल ने। नेक्स्ट, अपने चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है सर्वाडोर डाली ने। सर्वाडोर डाली अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर कार्लर जाने जाते हैं ये अमेरिकी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। वह गतिज कला से संबंधित थे। गतिज कला का मतलब होता है कि जैसे साइकिल चलाना, गति करना, ये गतिज कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, कलर फील्ड पेंटर हैं मार्क रोथोको के। नेक्स्ट, सुजान लैंगर हैं एक सौंदर्य शास्त्री जो हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट, एक ब्राइड की मूर्ति बनाई है प्रदोष दास गुप्ता ने। एक ब्राइड की मूर्ति बनाई है। नेक्स्ट, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गढ़ी गई है चुनार बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट, अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध हैं ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ ये मद्रास में स्थापित हुआ है 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट, कांस मिश्र धातु है मतलब कांसा जो है तांबा जस्ता और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। इनको आनंद कंट्री स्वामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, छह वृद्धि पर चर्चा करने वाली कृति का नाम है नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट, स्फुमातों की अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार थे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी जो है इन्होंने मोनालिसा की रहस्यमय कृति मूर्ति बनाई थी जो आज भी रहस्यमय है। नेक्स्ट, कराबेजियो संबंध रखते थे बारोक कला आंदोलन से। नेक्स्ट, सनराइज इम्प्रेसेस सूर्योदय का प्रभाव के चित्रकार हैं क्लाद मोने। नेक्स्ट, कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है ये कथन क्रोचे का है। नेक्स्ट, कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है कथन ये कथन पश्चिमी दार्शनिक कला प्लेटो का है। नेक्स्ट, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे आद्रिया देल बेरोसियो। नेक्स्ट, गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया गया है आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार रोंदा ने इसको किया है। नेक्स्ट, कांता टेक्सटाइल का लोक रूप है बंगाल का ये कपड़े का है। नेक्स्ट, फ्यूज रिब्जो का उद्भव हुआ इटली में। नेक्स्ट, भारत के प्रतिष्ठित नवतांत्रिक कलाकार हैं जी आर संतोष। इनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष है। नेक्स्ट, प्रयाग जहाँ जिल्लर जाने जाते हैं ये छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, ययाति श्रृंखला का सृजन किया समकालिक भारतीय चित्रकार ए रामचंद्रन ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारी हर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, मुड़ेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण हुआ था ये सोलंकी युग के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, ट्रिम्प ऑफ लेबर या ट्रम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय की मूर्ति बनाई थी डीपी राय चौधरी देवी प्रसाद राय चौधरी ने। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किया गया है ग्रेनाइट पथ में। नेक्स्ट,
नाग जी पटेल प्रसिद्ध हैं। ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, कांस व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिफ्यूजे मूर्ति तैयार की पीवी जानकी रमन ने। ये हमारे चोल मंडल कलाकारों से संबंधित हैं, पीवी जानकी रमन। नेक्स्ट, सिरे पर दयु गढ़ने की प्रक्रिया कास्टिंग प्रोसेस है, ये धातु की प्रोसेस है। नेक्स्ट, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं डेविड ओगिल्वी। नेक्स्ट, एट अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी स्लमडॉग मिलियनेयर। नेक्स्ट, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अयव के रूप में चार्ट कपलर डिवाइस है, स्कैनर के रूप में है। नेक्स्ट, इश्तहार मतलब पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय है पोलैंड के पास। नेक्स्ट, एडवर्ड मुंख ने बनाया था दी स्क्रीम नामक चित्र। नेक्स्ट, हमजा नामा के मूल चित्र चित्रित किए गए थे कपड़े पर। अगर ऑप्शन में कैनवास आए तो वो भी सही है। अगर बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।